हाँ, आप देखिए, अपने जो अपने पास कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट में अपन उसके जो प्रकार थे शर्करा वाले, मोनोसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड, वो पढ़ चुके हैं। अब तीसरा जो प्रकार है पॉलीसेक्राइड, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पॉलीसेक्राइड देखिए, अक्रिस्टलीय और स्वादहीन होता है। अक्रिस्टलीय का मतलब ये दानेदार नहीं होता है, किसी भी रूप में हो सकता है। स्वादहीन का मतलब ये स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, इसलिए इनको अशर्करा कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं या स्वादहीन कहते हैं। ये जल में अविलय होते हैं, यानी जल के अंदर या पानी के अंदर नहीं घुलेंगे। प्रकृति में वनस्पति व जीवों में बहुतायात में मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें जैव उर्वरक कहते हैं। यानी पॉलीसेक्राइड जो हैं वो किस में पाए जाएंगे? मुख्यतः पौधों में और जीवों में पाए जाते हैं। तो पौधों और जीवों में पाए जाने के कारण इनको जैव उर्वरक कहा जाता है। उदाहरण क्या है इसके? स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है इत्यादि। तो पॉलीसेक्राइड क्या है? अक्रिस्टलीय है, यानी कि दानेदार नहीं होते, स्वादहीन यानी स्वाद में मीठे नहीं है, जल में अविलय है, पानी में नहीं घुलते, प्रकृति में पेड़ पौधों और जीवों में पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? जैव उर्वरक कहते हैं। उदाहरण क्या है इनके? स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन इत्यादि।